माय यूट्यूब चैनल उमेश पांडे आपका स्वागत करता है। दोस्तों आज तारीख होंगे 11 और बहुत ही खुंदक भी आ रही है, क्या बताऊँ आपको दोस्तों, सरकार के ऊपर। क्योंकि एक्चुअली में बात क्या है कि 2.5 महीने हमें घर पर रहते हुए हो गए, तो हम गवर्नमेंट का पूरा नियम फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आखिरकार सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। मैंने जहाँ तक अगर गरीब के घर में अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है दोस्तों, तो उसके पास तो पहले खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो पॉजिटिव निकालने के लिए हॉस्पिटल में 4500 रुपये देने कहाँ से आएगा? या कभी समझा दोस्तों आपने, 4500 रुपया जिसके पास दो वक्त रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, वो कोरोना पॉजिटिव के लिए 4500 रुपये कहाँ से लाएगा? तो ये समझने वाली बात है दोस्तों, पूरे सरकार का नियम फॉलो कर रहे हैं। आज हमें 2.5 महीना हो गया ऑफिस नहीं खुला अभी तक, कुछ लोगों को तनख्वाह मिल रही होगी है, लेकिन कुछ लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनका क्या हाल होगा? बहुत ही बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल। तो यही मेरा कहना है, उसी का घर में आज एक वीडियो बनने जा रहा हूँ जो कि आप सुनना है। जिसने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ नीचे आ रहा होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे, आई बटन भी दबा दीजिएगा, मेरी पुरानी वीडियो सारी उसमें निकल जाएगी। तो दोस्तों चलते मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सारे नियम हम जो है गवर्नमेंट के मान रहे हैं, घर में बंद कौन है? वो भी जनता ही तो है। सोशल डिस्टेंस का पालन कौन करेगा? जनता। मार्केट से सैनिटाइजर कौन लेके आएगा? जनता खरीद कर। बुजुर्गों का ध्यान कौन करेगा? वो भी जनता। तो ये मानने की बात है, सब सारे तो चीज़ें जनता पर ठोक दिए हैं, तो गरीबों को कौन खाना खिलाएगा? वो भी जनता ही खिला रही है, हैं? प्रधानमंत्री राहत कोष में कौन पैसे जमा करेगा? वो भी जनता। ये सोचने वाली बात है, कर्मचारियों की सैलरी ना रोकें वो भी जनता के लिए, काम वाली और ड्राइवर की पैसे ना रोकें ना काटें वो भी जनता, किराएदारों से किराया ना लें वो भी जनता। इन सबके बावजूद सरकार ने आखिरकार जनता के लिए क्या करा? 3 महीने राहत के नाम से झूठी तसल्ली दी, ना तो इन्होंने बैंक की EMI रोकी और ना ही इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिल रोका और ना ही स्कूल के फीस रोके। आखिरकार आम जनता को क्या छूट मिली है? सरकार के पास है कोई जवाब इसका? ख्याल है कोई जवाब नहीं है, सबको मूर्ख बना रहे हैं बस और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये मेरी मन की एक भड़ास थी, जो कि आपको पसंद आया होगा या नहीं आया होगा वो मैंने आपको बता दिया, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भगवान सबका भला करे और लॉकडाउन जल्द से जल्द खुल जाए और सभी अपने ऑफिस जाएं और सभी अपने अपने ड्यूटी करें और सबका घर का पालन पोषण हो और कोई परेशान ना रहे, यही हमारा आशा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, टिल देन गुड बाय।